नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के चंदू गांव से हूं और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के अपना काम शुरू किया। इसके साथ हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक किसान हूं। मैंने जैसे ही पशुपालन किया, खेतीबाड़ी की, तो उसमें ज़्यादा आमदनी मैं नहीं कर पाई, तो मैंने ट्रेनिंग लेके कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने उन्हीं चीज़ों को ऐसे बनाया कि जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और आज मेरी महिलाएं ऐसी कुकीज़ बनाती हैं जो 5-स्टार होटल में बिकती हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमने जैसे 5 फ्लेवर की कुकीज़ इसके अंदर भी डाल ली हैं। ओट्स है, फ्लैक्सीड है, डबल चॉकलेट है, चोको चिप है, वॉलनट है। ये जो कुकीज़ हैं ये बड़े बड़े होटल में जाती हैं। और इसी के साथ हमने जैसे ज्वार के बिस्किट बनाए, बाजरे के बिस्किट बनाए, और लोकल में जैसे पीनट कुकीज़ बनाई, तो इसमें जो जवार और रागी बाजरा सबका हमने देसी फ्लेवर में भी मतलब बिस्किट बना के हर आदमी हमारी चीज़ को खाए और उनको पता चले सब में देसी घी डलता है। जब हमारी यूनिट में यहाँ पे बिस्किट बनते हैं तो बाहर से जब लोग जाते हैं तो यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और आपको पता है ये जो कंपनी है ये कहाँ पर हमने बनाई? बिल्कुल गाँव के बीच में। ये जो आप देख रहे हो हमारी कंपनी, ये एक गांव की बिल्कुल खंडर भूतिया हवेली थी जो 200 साल पुरानी थी। आज आप इसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत से हमने इसको बिल्कुल तैयार किया है और ऐसी हमारे कुकीज़ बन रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ें। मैं आसपास के गांव की महिलाओं को भी रोज़गार देना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं काम करके और अपने पैरों पर खड़ी हों। वो किसी के आगे हाथ ना फैला के हमेशा उनका हाथ ये रहे, मेरी ये सोच है। बाकी मैं आने वाले टाइम में चाहती हूँ कि पूरे मतलब हमारे हरियाणा या बाहर की महिलाएं, जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं, तो वो यहाँ आके ट्रेनिंग भी ले सकती हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें कंपनी में सारी महिलाएं शेयर होल्डर हैं, जो सब हिस्सेदार हैं, और कंपनी की महिलाएं ही डायरेक्टर हैं, और कंपनी की महिलाओं द्वारा ही ये कंपनी बनाई गई है। इसका जैसे बाहर से कच्चा माल लाना है या मार्केटिंग के लिए मतलब सप्लाई दे के आनी है, सारा काम महिलाएं करती हैं। और हम सरकारी सारी योजनाओं से जुड़ के आज यहाँ तक पहुँच पाए, क्यों ना सारे देश की महिलाएं सरकारी योजनाओं से जुड़ें और उनका फ़ायदा उठाएं।